हाय, मैं हूं वीरेंद्र सहवाग और मैं लूंगा आज आपकी क्लास लीडरशिप पे। मैं पैदा हुआ था नजफगढ़ में। मेरे फादर का नाम कृष्ण कुमार है, मेरी मदर का नाम कृष्णा है। जो मेरी स्कूलिंग थी वो मेरे घर से 10 घर छोड़कर थी। एक प्राइवेट स्कूल होता था उस समय, तो 8 तक मैं उसमें पढ़ा, क्योंकि वो इकलौता इंग्लिश मीडियम था नजफगढ़ में। तो शायद इसलिए मेरे माता पिता ने मुझे वहाँ पर डाला पढ़ाई करने के लिए, शायद मेरी इंग्लिश अच्छी हो, बट ऐसा हुआ नहीं। 10th के बाद जो 10th की छुट्टियाँ आती हैं उसमें मैंने क्रिकेट सीरियसली खेलना शुरू किया। उससे पहले मैं ऐसे ही खेलता था नजफगढ़ में या आसपास में बच्चों के साथ, या गांव में जो टूर्नामेंट होते हैं नेचुरल टर्फ पर वो खेलता था। नजफगढ़ में एक क्लब होता था उस समय, सर माउंट क्रिकेट क्लब, तो उसमें कोच होते थे शशि काले, तो उन्होंने कोचिंग दी। तो जब मैं उनकी वहाँ गया प्रैक्टिस करने क्लब में, तो 2-3 नेट सेशन के बाद ही उन्होंने कहा कि आपके अंदर टैलेंट है तो आप आगे जाइए। तो मैंने उनसे पूछा आगे कहाँ जाओ, तो उन्होंने कहा कि आप नजफगढ़ से बाहर किसी और दूसरे स्कूल में एडमिशन लीजिए जहाँ पर क्रिकेट हो। तो उन्होंने मुझे भेजा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल विकासपुरी, जहाँ पर मिस्टर A.N. शर्मा जी कोच थे। उन्होंने वहाँ पर मुझे इसलिए भेजा क्योंकि A.N. शर्मा जी उस समय नेशनल स्कूल नेशनल्स के सिलेक्टर भी थे। जब मैं शर्मा जी के पास पहली बार गया, उन्होंने मुझे 3 दिन लाइन में खड़ा रखा। 3 दिन मुझे ना बैटिंग मिली, ना बॉलिंग मिली, ना फील्डिंग मिली। तो 4th दिन जब मैंने बैटिंग की तो मुझे 4 बॉलें मिली खेलने को। तो मैंने अपने कोच A.N. शर्मा जी से पूछा, 4 बॉल के बाद आपने बाहर बुलाया सर, तो ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि 3 दिन तक मैं आपके पेशेंस चेक कर रहा था कि आप वाकई में क्रिकेट खेलना चाहते हैं या आप बरसाती मेंढक हैं। 4 बॉल के बाद मैंने क्यों निकाला, क्योंकि वो जो 4 बॉलें आपने खेली हैं मेरी अकेडमी में, आपसे बेहतर और कोई दूसरा खिलाड़ी नहीं है, ऐसा उन्होंने मुझे कहा। और वहाँ से मेरी एक्चुअली सीरियस क्रिकेट स्टार्ट हुई। काफ़ी बार मैं ट्रायल्स पे गया अंडर 16 अंडर 19 की, लेकिन कभी पिक नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ भी 3 या 4 बॉल मिलती थी खेलने की। उनमें शायद मैं कुछ बॉलों पे शॉट लगाता था, कुछ डिफेंस करता था या कुछ छोड़ता था। कॉलेज में नहीं गया मैं, क्योंकि वहाँ पर हर कोई ये चाहता था कि मैं उनके कॉलेज में एडमिशन लूँ, क्योंकि सबकी क्रिकेट टीमें थी। मैं उस समय बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा था, सब चाहते थे। तो लेकिन मेरे कोच ने मुझे कहा पहले इंटर कॉलेज खेलोगे, फिर यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होगा, फिर जाके यूनिवर्सिटी खेलने को मिलेगी। इसे आप डायरेक्ट जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो और डायरेक्ट यूनिवर्सिटी खेलने का मौका मिलेगा। तो जब मैं जामिया यूनिवर्सिटी में ट्रायल देने गया तो मेरा सिलेक्शन हो गया। फर्स्ट ईयर में पहली बार मुझे यूनिवर्सिटी खेलने का मौका मिला। जो वहाँ के कोच थे उन्होंने मुझे एक और क्लब से खेलने को बोला, उस क्लब का नाम था मद्रास क्लब, और मद्रास क्लब के जो कोच थे वो सतीश शर्मा जी थे। उसके बाद दोनों ने कहा कि अभी तक तू अंडर 19 खेला क्यों नहीं? तो मैंने उनको बताया कि मैं ट्रायल्स पे जाता हूँ, मुझे कोई पिक नहीं करता है, 4-5 गेंदें मुझे खेलने का मौका मिलता है, मैं आ जाता हूँ। तो उन्होंने एक मैच रखा दिल्ली स्टेट अंडर 19 11 वर्सेज जामिया 11। तो उन्होंने मुझे एक ही बात कही कि ये पहला और आखिरी मौका है आपके लिए। उस मैच में मैंने लगभग 150 रन बनाए, 17 छक्के मारे, एक भी छक्का ग्राउंड के अंदर नहीं गिरा, सब ग्राउंड के बाहर गिरे। तब पहली बार सिलेक्टर्स और सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट जो थे DDCA के, उनकी नज़रें खुली। तो उन्होंने पूछा ये लड़का कौन है, तो मेरे कोच ने बताया ये हर साल ट्रायल पे आता है बट इसे पिक नहीं किया जाता अंडर 16 अंडर 19। ये बात है 1997 की, तब मैं पहली बार दिल्ली स्टेट के लिए पिक हुआ। जब मैं नॉर्थ जोन के लिए खेल रहा था तो उस समय अंडर 19 वर्ल्ड कप इंडिया की टीम बन रही थी, उसके कोच अनाउंस हुए थे श्रीकांत। तो शायद मैं खुशनसीब था कि जब मेरा नॉर्थ जोन वर्सेस साउथ जोन का मैच था तो वो देखने आए थे, और उस गेम में मैंने कुछ 75 के करीब रन बनाए थे केवल 35 या 36 गेंदों पर, और वो मेरी इनिंग देखकर इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने तभी डिसाइड कर लिया था कि वो मुझे अंडर 19 वर्ल्ड कप की टीम में पिक करेंगे। लेकिन ये बात मुझे नहीं मालूम थी। जब मैं DDCA में प्रैक्टिस करने गया तो किसी ने मुझे कहा कि मैं आपका अंडर 19 वर्ल्ड कप में सिलेक्शन करा सकता हूँ, कुछ पैसे लगेंगे। मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा कि मैं पैसे नहीं दूंगा, अगर मेरा सिलेक्शन हो या ना हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने मना किया, मैं अंडर 19 की टीम में पिक हुआ इंडिया की में, सब लोगों ने मुबारकबाद दी और हम लोग अंडर 19 का वर्ल्ड कप खेलने गए 1998 जनवरी में साउथ अफ्रीका में। जाने से पहले जब श्रीकांत से मिला होटल में, तब उन्होंने मुझे ये कहानी बताई कि मैंने आपकी इनिंग देखी थी और आपका सिलेक्शन उसी दिन हो गया था। तो मैं बड़ा खुश हुआ। वो मुझे अपनी टीम का विमर रिचर्ड कहते थे उस समय। वो ये कहते थे कि मैंने अगर किसी को बल्लेबाजी करते देखा आपकी तरह तो वो विवन रिचर्ड थे। तो मैं बड़ा हंसता था।
तो मैं कहता था कहाँ विवियन रिचर्ड सर और कहाँ मैं बहुत छोटा हूँ। तो उन्होंने कहा कि एक दिन बड़ा होकर तू भी बड़ा बनेगा और विवियन रिचर्ड जैसा बनेगा। खैर उस समय वो सब सपने थे, बाद में वो धीरे 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 पूरे होते चले गए। और 99 में 1 अप्रैल को मुझे पहली बार इंडिया के लिए खेलने का मौका मिला पाकिस्तान के खिलाफ। देखिए जब मेरे घर वालों को ये तो पता थी मैं खेलता हूँ, क्या खेलता हूँ ये नहीं पता थी। ये उनको तब पता चली जब मैं पहली बार अंडर 19 इंडिया की टीम के लिए सिलेक्शन हुआ, क्योंकि तब मेरे को ओवरसीज़ जाना था पहली बार की साउथ अफ्रीका। तब उनको पता चला कि ये क्रिकेट कोई गेम खेलता है। उससे पहले तो ये पता था ये खेलता है बस बाहर जाता है, कभी उन्होंने पूछा नहीं। उनको पता भी नहीं थी क्रिकेट क्या होती क्योंकि उन्होंने कभी देखी भी नहीं। तो शायद मेरा मैच पहली बार उन्होंने टीवी में देखा जब मैं अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलने गया था। उनका एक ही मानना था कि भाई क्रिकेट आपको शायद कहीं नहीं ले जाएगी लेकिन आपको पढ़ाई आगे तक ले जाएगी, नौकरी दिलाएगी, आप अपने फादर के बिजनेस में हेल्प कर सकते हो। तब उनकी ये राय थी कि आप खेलो जब तक आप पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन जिस दिन आप फेल हुए या पढ़ाई छोड़ी आपने उस दिन आपको हमारा बिजनेस संभालना पड़ेगा या कोई नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। तो ये उनका पहला रिएक्शन था। जब बच्चा पैदा होता है तो शायद भगवान उसको भेजता है कि उसको क्या करना है, क्या बनना है, सब ये उस लिखा होता है कहीं ना कहीं। और ये शायद मेरे फादर मदर भी मानते थे और मैं भी मानता हूँ कि शायद मैं पैदा हुआ था क्रिकेट खेलने के लिए, इसलिए क्रिकेट खेला, भारत के लिए खेला, अच्छी क्रिकेट खेला। चाहे मैंने 2 शतक बनाया हो चाहे 13 शतक बनाया हो, जब जब मैंने शतक बनाया हो तो वो कुछ ऐसे लम्हे थे जो मुझे लगा उस समय कि शायद भगवान ने आज मुझे भेजा है कि मैं कुछ अलग करके दूँ। तो जब 2 शतक मैं बना रहा था, एक दिन पहले मुझे किसी ने कहा कि जो 20 अक्टूबर को लोग पैदा हुए हैं उनके लिए कल का दिन बहुत ही बढ़िया है। जब मैं बैटिंग करने गया तब मुझे वो याद नहीं था बिल्कुल, लेकिन जब मैं 175 तक पहुंचा और मेरा कैच छूटा तब मुझे वो बात याद आई। तो अगर मेरा अच्छा दिन है तो इसका मतलब मैं 200 तो बनाऊंगा ही बनाऊंगा, क्योंकि भगवान भी मेरे साथ है, उन्होंने मेरा कैच भी छुड़वा दिया 175 पर, तो मैंने 200 बनाया। और ऐसे ही कुछ हुआ था जब मैं 300 जब मैंने बनाया साउथ अफ्रीका के खिलाफ चेन्नई में, मैं 55 रन पर नॉट आउट था। तो उस दिन भी किसी ने हमारे ऐसे फ्रेंड्स से आपस में मैसेज पे बात हो रही थी, उन्होंने यही कहा था 20 अक्टूबर को जो पैदा हुए लोग जो लिब्रा हैं उनके लिए बहुत अच्छा। तो जब मैं अंदर जा रहा था तब मुझे वो याद आया और मैंने कहा कि अगर आज मेरा दिन है तो साउथ अफ्रीका वाले तो मर गए। तो मैंने पूरा दिन बैटिंग की, पूरा दिन बैटिंग कर दूसरा ट्रिपल सेंचुरी बनाई। लेकिन डेस्टिनी भी तभी पूरी होती है जब आपको खुद पर भरोसा हो, कि आपको खुद पर भरोसा है कि आपकी डेस्टिनी में जो लिखा है कि आप वो पा सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हार्डवर्क से ही मिल सकता है। हाय, मैं हूँ वीरेंद्र सहवाग और मैं लूंगा आज आपकी क्लास लीडरशिप पे। मैं पैदा हुआ था नजफगढ़ में। मेरे फादर का नाम कृष्ण कुमार है, मेरी मदर का नाम कृष्णा है। जो मेरी स्कूलिंग थी वो मेरे घर से 10 घर छोड़कर थी। एक प्राइवेट स्कूल होता था उस समय, तो 8 तक मैं उसमें पढ़ा, क्योंकि वो इकलौता इंग्लिश मीडियम था नजफगढ़ में। तो शायद इसलिए मेरे माता पिता ने मुझे वहाँ पर डाला पढ़ाई करने के लिए, शायद मेरी इंग्लिश अच्छी हो, बट ऐसा हुआ नहीं। 10th के बाद जो 10th की छुट्टियाँ आती हैं उसमें मैंने क्रिकेट सीरियसली खेलना शुरू किया। उससे पहले मैं ऐसे ही खेलता था नजफगढ़ में या आसपास में बच्चों के साथ या गांव में जो टूर्नामेंट होते हैं नेचुरल टर्फ पर वो खेलता था। नजफगढ़ में एक क्लब होता था उस समय सर माउंट क्रिकेट क्लब, तो उसमें कोच होते थे शशि काले, तो उन्होंने कोचिंग दी। तो जब मैं उनकी वहाँ गया प्रैक्टिस करने क्लब में तो 2-3 नेट सेशन के बाद ही उन्होंने कहा कि आपके अंदर टैलेंट है तो आप आगे जाइए। तो मैंने उनसे पूछा आगे कहाँ जाओ, तो उन्होंने कहा कि आप नजफगढ़ से बाहर किसी और दूसरे स्कूल में एडमिशन लीजिए जहाँ पर क्रिकेट हो। तो उन्होंने मुझे भेजा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल विकासपुरी, जहाँ पर मिस्टर A.N. शर्मा जी कोच थे। उन्होंने वहाँ पर मुझे इसलिए भेजा क्योंकि A.N. शर्मा जी उस समय नेशनल स्कूल नेशनल्स के सिलेक्टर भी थे। जब मैं शर्मा जी के पास पहली बार गया उन्होंने मुझे 3 दिन लाइन में खड़ा रखा। 3 दिन मुझे ना बैटिंग मिली, ना बॉलिंग मिली, ना फील्डिंग मिली। तो 4th दिन जब मैंने बैटिंग की तो मुझे 4 बॉलें मिली खेलने को। तो मैंने अपने कोच A.N. शर्मा जी से पूछा 4 बॉल के बाद आपने बाहर बुलाया सर, तो ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि 3 दिन तक मैं आपके पेशेंस चेक कर रहा था कि आप वाकई में क्रिकेट खेलना चाहते हैं या आप बरसाती मेंढक हैं। 4 बॉल के बाद मैंने क्यों निकाला, क्योंकि
वो जो चार बोले आपने खेली हैं मेरी एकेडमी में, आपसे बेहतर और कोई दूसरा खिलाड़ी नहीं है, ऐसा उन्होंने मुझे कहा। और वहाँ से मेरी एक्चुअली सीरियस क्रिकेट स्टार्ट हुई। काफ़ी बार मैं ट्रायल्स पे गया अंडर 16 अंडर 19 की, लेकिन कभी पिक नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ भी तीन या चार बॉल मिलती थी खेलने की, उनमें शायद मैं कुछ बॉलों पे शॉट लगाता था, कुछ डिफेंस करता था या कुछ छोड़ता था। कॉलेज में नहीं गया मैं, क्योंकि वहाँ पर हर कोई ये चाहता था कि मैं उनके कॉलेज में एडमिशन लूँ, क्योंकि सबकी क्रिकेट टीमें थी, मैं उस समय बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा था, सब चाहते थे। तो लेकिन मेरे कोच ने मुझे कहा पहले इंटर कॉलेज खेलोगे, फिर यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होगा और फिर जाके यूनिवर्सिटी खेलने को मिलेगी। इज अच्छा आप डायरेक्ट जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो और डायरेक्ट यूनिवर्सिटी खेलने का मौका मिलेगा। तो जब मैं जामिया यूनिवर्सिटी में ट्रायल देने गया तो मेरा सिलेक्शन हो गया। फर्स्ट ईयर में पहली बार मुझे यूनिवर्सिटी खेलने का मौका मिला। जो वहाँ के कोच थे उन्होंने मुझे एक और क्लब से खेलने को बोला, उस क्लब का नाम था मद्रास क्लब, और मद्रास क्लब के जो कोच थे वो सतीश शर्मा जी थे। उसके बाद दोनों ने कहा कि अभी तक तू अंडर 19 खेला क्यों नहीं। तो मैंने उनको बताया कि मैं ट्रायल्स पे जाता हूँ, मुझे कोई पिक नहीं करता है, चार पांच गेंदें मुझे खेलने का मौका मिलता है, मैं आ जाता हूँ। तो उन्होंने एक मैच रखा दिल्ली स्टेट अंडर 19 11 वर्सेज जामिया 11। तो उन्होंने मुझे एक ही बात कही कि ये पहला और आखिरी मौका है आपके लिए। उस मैच में मैंने लगभग 150 रन बनाए, 17 छक्के मारे, एक भी छक्का ग्राउंड के अंदर नहीं गिरा, सब ग्राउंड के बाहर गिरे। तब पहली बार सिलेक्टर्स और सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट जो थे DDCA के, उनकी नज़रें खुली। तो उन्होंने पूछा ये लड़का कौन है, तो मेरे कोच ने बताया ये हर साल ट्रायल पे आता है बट इसे पिक नहीं किया जाता अंडर 16 अंडर 19। ये बात है 1997 की, तब मैं पहली बार दिल्ली स्टेट के लिए पिक हुआ। जब मैं नॉर्थ जोन के लिए खेल रहा था तो उस समय अंडर 19 वर्ल्ड कप इंडिया की टीम बन रही थी, उसके कोच अनाउंस हुए थे श्रीकांत। तो शायद मैं खुशनसीब था कि जब मेरा नॉर्थ जोन वर्सेस साउथ जोन का मैच था तो वो देखने आए थे, और उस गेम में मैंने कुछ 75 के करीब रन बनाए थे केवल 35 या 36 गेंदों पर, और वो मेरी इनिंग देखकर इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने तभी डिसाइड कर लिया था कि वो मुझे अंडर 19 वर्ल्ड कप की टीम में पिक करेंगे। लेकिन ये बात मुझे नहीं मालूम थी। जब मैं DDCA में प्रैक्टिस करने गया तो किसी ने मुझे कहा कि मैं आपका अंडर 19 वर्ल्ड कप में सिलेक्शन करा सकता हूँ, कुछ पैसे लगेंगे। मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा कि मैं पैसे नहीं दूंगा, अगर मेरा सिलेक्शन हो या ना हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने मना किया, मैं अंडर 19 की टीम में पिक हुआ इंडिया की में, सब लोगों ने मुबारकबाद दी और हम लोग अंडर 19 का वर्ल्ड कप खेलने गए 1998 जनवरी में साउथ अफ्रीका में। जाने से पहले जब श्रीकांत से मिला होटल में, तब उन्होंने मुझे ये कहानी बताई कि मैंने आपकी इनिंग देखी थी और आपका सिलेक्शन उसी दिन हो गया था। तो मैं बड़ा खुश हुआ। वो मुझे अपनी टीम का विमर रिचर्ड कहते थे उस समय। वो ये कहते थे कि मैंने अगर किसी को बल्लेबाजी करते देखा आपकी तरह तो वो विवन रिचर्ड थे। तो मैं बड़ा हंसता था, तो मैं कहता था कहाँ विवन रिचर्ड सर और कहाँ मैं बहुत छोटा हूँ। तो उन्होंने कहा कि एक दिन बड़ा होकर तू भी बड़ा बनेगा और विवन रिचर्ड जैसा बनेगा। खैर उस समय वो सब सपने थे, बाद में वो धीरे 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 पूरे होते चले गए। और 99 में 1 अप्रैल को मुझे पहली बार इंडिया के लिए खेलने का मौका मिला पाकिस्तान के खिलाफ। देखिए जब मेरे घर वालों को ये तो पता थी मैं खेलता हूँ, क्या खेलता हूँ ये नहीं पता थी। ये उनको तब पता चली जब मैं पहली बार अंडर 19 इंडिया की टीम के लिए सिलेक्शन हुआ, क्योंकि तब मेरे को ओवरसीज जाना था पहली बार की साउथ अफ्रीका। तब उनको पता चला कि ये क्रिकेट कोई गेम खेलता है, उससे पहले तो ये पता था ये खेलता है बस बाहर जाता है, कभी उन्होंने पूछा नहीं। उनको पता भी नहीं थी क्रिकेट क्या होती, क्योंकि उन्होंने कभी देखी भी नहीं। तो शायद मेरा मैच पहली बार उन्होंने टीवी में देखा जब मैं अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलने गया था। उनका एक ही मानना था कि भाई क्रिकेट आपको शायद कहीं नहीं ले जाएगी, लेकिन आपको पढ़ाई आगे तक ले जाएगी, नौकरी दिलाएगी, आप अपने फादर के बिजनेस में हेल्प कर सकते हो। तब उनकी ये राय थी कि आप खेलो जब तक आप पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन जिस दिन आप फेल हुए या पढ़ाई छोड़ी आपने उस दिन आपको हमारा बिजनेस संभालना पड़ेगा या कोई नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। तो ये उनका पहला रिएक्शन था। जब बच्चा पैदा होता है तो शायद भगवान उसको भेजता है कि उसको क्या करना है, क्या बनना है, सब ये उस लिखा होता है कहीं ना कहीं। और ये शायद मेरे फादर मदर भी मानते थे और मैं भी मानता हूँ कि शायद मैं पैदा हुआ था क्रिकेट खेलने के लिए, इसलिए क्रिकेट खेला, भारत के लिए खेला, अच्छी क्रिकेट खेला। चाहे मैंने 12 शतक बनाया हो, चाहे 13 शतक बनाया हो, जब जब मैंने शतक बनाया हो तो वो कुछ ऐसे लम्हे थे जो मुझे लगा उस समय कि शायद भगवान ने आज मुझे भेजा है कि मैं कुछ अलग करके दूँ। तो जब 12 शतक मैं बना रहा था, एक दिन पहले मुझे किसी ने कहा कि जो 20 अक्टूबर को लोग पैदा हुए हैं उनके लिए कल का दिन बहुत ही बढ़िया है,
जब मैं बैटिंग करने गया तब मुझे वो याद नहीं था बिल्कुल, लेकिन जब मैं 175 तक पहुंचा और मेरा कैच छूटा तब मुझे वो बात याद आई। तो अगर मेरा अच्छा दिन है तो इसका मतलब मैं 200 तो बनाऊंगा ही बनाऊंगा, क्योंकि भगवान भी मेरे साथ है, उन्होंने मेरा कैच भी छुड़वा दिया 175 पर, तो मैंने 200 बनाया। और ऐसे ही कुछ हुआ था जब मैं 300 जब मैंने बनाया साउथ अफ्रीका के खिलाफ चेन्नई में, मैं 55 रन पर नॉट आउट था। तो उस दिन भी किसी ने हमारे ऐसे फ्रेंड से आपस में मैसेज पे बात हो रही थी, उन्होंने यही कहा था 20 अक्टूबर को जो पैदा हुए लोग जो लिब्रा हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। तो जब मैं अंदर जा रहा था तब मुझे वो याद आया और मैंने कहा कि अगर आज मेरा दिन है तो साउथ अफ्रीका वाले तो मर गए। तो मैंने पूरा दिन बैटिंग की, पूरा दिन बैटिंग कर दूसरा ट्रिपल सेंचुरी बनाई। लेकिन डेस्टिनी भी तभी पूरी होती है जब आपको खुद पर भरोसा हो, कि आपको खुद पर भरोसा है कि आपकी डेस्टिनी में जो लिखा है कि आप वो पा सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हार्डवर्क से ही मिल सकता है। इस वीडियो में मैं पहली बार इंटरनेशनल खिलाड़ी बनने के सारे मेंटल ट्रिक्स बताऊंगा। आओ मैं तुम्हारी क्लास लेता हूं। मेरी लाइफ में भी ऐसा समय आया था जब मुझे लगा कि यार पता नहीं मैं क्रिकेट में आगे निकल पाऊंगा या नहीं पाऊंगा। जब मुझे सिलेक्शन नहीं होता था अंडर 19 में तब मैं भी हताश होता था, मैं भी सोचता था छोड़ दूँ पढ़ाई ख़त्म करके अपने फादर का बिजनेस करूँ या कोई नौकरी ले लूँ अच्छी सी। बट लेकिन सडनली मेरी लाइफ में एक ऐसा दौर आया कि मैंने कुछ सोचा ही नहीं। मुझे अंडर 19 खेलने को मिली स्टेट के लिए, वहाँ से मैं नॉर्थ जोन खेला, वहाँ से मैं अंडर 19 इंडिया वर्ल्ड कप की टीम में सिलेक्ट हुआ, वहाँ से वापस आया तो दिल्ली रणजी ट्रॉफी की टीम में सिलेक्ट हुआ, वहाँ से नॉर्थ जोन खेला। तो सब कुछ एक साल के अंदर इतना हो गया, लेकिन उस एक साल से पहले ऐसा लग रहा था कि शायद मैं खेल ही नहीं पाऊँगा। तो ये सब हर एक बच्चे की लाइफ में ये पीरियड आएगा, लेकिन उस समय मुझे खुद पर भरोसा था, मुझे लगा था कि शायद मुझे मेहनत करते रहना चाहिए और मेहनत का फल मिलता है। एक बात है कि बगैर टैलेंट के आप कहीं नहीं जा सकते। टैलेंट को परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करना ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जो टैलेंटेड खिलाड़ी होता है थोड़ा सुस्त होता है, थोड़ा उसमें सेल्फ बिलीव औरों से ज़्यादा होती है, उसको मालूम होता है उसके अंदर टैलेंट है, लेकिन शायद उसमें सेल्फ अवेयरनेस कम होती है। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है कि आपके आजू बाजू में क्या हो रहा है। खुद का उदाहरण देता हूँ, मैं टीवी में सचिन तेंदुलकर की बैटिंग देखता था और टीवी से सीखता था, बाहर कॉपी करता था कि वो कैसे स्ट्रेट ड्राइव मारते हैं, कैसे बैकफुट पंच मारते हैं। जब इंडियन टीम में पहुंचा तो उनको नेट प्रैक्टिस लाइव देखी मैंने, उनसे सवाल किए कि वो कैसे 150 की जो गति से गेंद आती है उसको कैसे खेलते हैं। जब भी मौका मिले सवाल जरूर कीजिए अपने कोचेज से, क्योंकि मैं देखता हूँ, मैं खुद की अकेडमीज में जाता हूँ, बच्चों के पास सवाल बहुत कम होते हैं। इंडियन टीम में शायद 2 साल बिताने के बाद मुझे पहली बार रियलाइज हुआ कि विजुलाइजेशन भी कोई चीज़ होती है। 2002 में हम लोग साउथ अफ्रीका में खेल रहे थे, तब 10 ओवरों में लगभग 60-70 रन के करीब रन चाहिए थे, तो मैंने 2-3 बाउंड्रीज लगाई और एक और गलत शॉट मारा मिड ऑफ के ऊपर से और मिड ऑफ के हाथ में कैच देकर आउट होकर वापस आ गया। तो पहली बार तब मुझे गुस्सा किया श्रीनाथ और सचिन तेंदुलकर ने, और उन्होंने तब मुझे पूछा क्या तुम विजुलाइज नहीं करते। तब मैंने पहली बार उनसे पूछा कि मुझे विजुलाइज पता नहीं क्या होती है। तब उन्होंने मुझे समझाया कि मैच से पहले आप उस सिचुएशन में जाते हो कि आपको 10 ओवर में 60 रन चाहिए, कौन गेंदबाजी कर रहा है, क्या फील्ड लगी हुई है, क्या फील्ड पोजीशंस है, कैसे आप उस फील्ड से रन बना सकते हो, हज़ारों लोग आपको देख रहे हैं, तालियां बज रही है, शोर हो रहा है, उस शोर में कैसे कंसंट्रेशन और फोकस के साथ आप रन बना सकते हो। तो वो विजुलाइजेशन है जो कि आपको एक दिन पहले करना पड़ता है, कि जैसे 4 गेंदबाज होते हैं एक टीम में, तो उन 4 गेंदबाजों में कौन सा आपके लिए अच्छा हो जिस पर आप रन बना सकते हो। तब आप डरते नहीं हो, घबराते नहीं हो, क्योंकि आपने वो पहले विजुलाइज कर ली सिचुएशन, आपको फ़ायदा मिलता है। मैं नजफगढ़ से फिरोजशाह कोटला जाता था, 783 नंबर नजफगढ़ से शहीद भगत सिंह टर्मिनल, ये एक बस का रूट था। लगभग 2.5 घंटे लगते थे वहाँ पहुँचने में, कभी कभी ट्रैफिक मिला तो 3-4 घंटे भी हो जाते थे बस में। उस भारी बस में किडबैग को लेकर बैठना, और जब आप शहीद भगत सिंह टर्मिनल पर उतरते थे वहाँ से फिरोजशाह कोटला तक पैदल जाना,
तो ये हार्ड वर्क था मेरा जो बाद में पे किया, और ये मेरा डेली का रूटीन था जब मेरी प्रैक्टिस होती थी, ट्रायल्स होते थे या मैचेस होते थे, क्योंकि उस समय ना मेरे पास स्कूटर था ना कार था। पहला रणजी ट्रॉफी मैच खेलने के बाद मैंने स्कूटर खरीदा, पहला इंटरनेशनल मैच खेलने के बाद मैंने कार खरीदा। लेकिन शायद आपके माँ बाप आपको आज ही स्कूटर देते हैं, आज ही कार में छोड़ के आते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करना आपका फ़र्ज़ है। मेरे समय में इंटरनेट नहीं था, फ़ोन्स बहुत कम थे, लेकिन इंटरनेट का होना आपके लिए एक फ़ायदेमंद है। मेरे बच्चे इंटरनेट पे रहते हैं, देखते हैं क्या क्रिकेट के वीडियोस जो वो सीखना चाहते हैं, वो स्किल्स जो शायद पापा ना सिखा सके हों, तो वो सचिन तेंदुलकर के वीडियोस, राहुल द्रविड़ के, सौरभ गांगुली के, विराट कोहली के वो वीडियोस देखते हैं, बैकफुट पे वो कैसे खेलते हैं, फ्रंट फुट पे वो कैसे खेलते हैं, वो सब वो देखते हैं, लेकिन वो अपने दायरे में रहकर उस इंटरनेट का फ़ायदा उठाते हैं। खिलाड़ी को मालूम होता है कि उसके अंदर कितना टैलेंट है और कितनी आगे तक जा सकता है। आप बहुत लोगों से झूठ बोल सकते हो, लेकिन जब आईने में खुद को देखते हो तब झूठ नहीं बोल सकते। तब आपको मालूम होता है कि आपसे बेहतर और खिलाड़ी हैं, शायद वो आपसे बेहतर खेलते हैं और उनको मौका भी मिलना चाहिए। तो जब आपको ये रियलाइज़ होता है, जब आप स्कूल या कॉलेज पास आउट करते हैं, उस समय आप अपना कैरियर चूज़ कर सकते हो, आप दूसरी राह पर जा सकते हो। जो बच्चा आज क्रिकेट खेल रहा है और वो एक रूटीन सेट करना चाहता है, तो उसका शायद रूटीन ऑलरेडी सेट होगा, क्योंकि वो भी स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहा हो। तो आप सुबह उठ रहे हो, कॉलेज जा रहे हो या स्कूल जा रहे हो, जो शाम की टाइमिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए कि आप अपने स्किल्स पर फोकस करें। तो अगर वहाँ पर आप अपना टाइम बिता रहे हो, जो शाम का टाइम है 3 से 6 बजे या 3 से 7 बजे जब तक सूरज नहीं ढलता, तो वो मैं कभी मिस नहीं करता था। सूरज ढलने पर ही मैं निकलता था अपने ग्राउंड से, उसके बाद चाहे मुझे 1 घंटा लगे 2 घंटे लगे घर पहुंचने में, वो सेकेंडरी रहता था। बैटिंग नहीं कर सकता तो कैचेस बहुत करता था, लगभग 150-200 कैचेस दिन में करता था, जो कि आज मैं अपने बच्चों को कराता हूँ। जब मैं इंडियन टीम के लिए खेलता था तो हमारा रूटीन होता था, हम टूर पे जाते थे, सबसे पहले क्या करते थे, जेट लैग भगाने की कोशिश करते थे। अगर इंडिया में रात है, वहाँ सुबह है, तो वहाँ की सुबह उठते थे, सोते कम थे और कोशिश करते थे, भागते थे। सबसे पहले हमारे कोच लेके जाते थे, पूरी टीम को भगाते थे, हमें आधा घंटा से 40 मिनट वापस आते थे, ब्रेकफास्ट खाते थे, फिर थोड़ा जिम करते थे, उसके बाद लंच खाते थे, थोड़ा आराम करते थे, नैप लेते थे 1-2 घंटे की, और दोपहर को 2 या 3 बजे प्रैक्टिस के लिए निकलते थे, और शाम को 7 बजे तक प्रैक्टिस करके आते थे, डिनर खा के सो जाते थे। तो वो जो सुकून की नींद मिलती थी उस पूरे शेड्यूल के बाद, वो शायद अब रिटायरमेंट के बाद नहीं मिल रही है। मैं भी आप लोगों से अलग नहीं हूँ, मैंने भी बचपन से पराठे खाए हैं, जाट फैमिली में पैदा हुआ हूँ। सुबह आलू के पराठे मेरी मम्मी बांध देती थी 10-12, तो पूरे दिन के लिए वो काफ़ी होते थे। मैं कुछ खाता था, मेरे दोस्त खाते थे। लेकिन जब मैं इंडियन टीम में गया तो पता चला पहली बार कि भाई आपको अच्छी डाइट लेना बहुत ज़रूरी है, एग्स, प्रोटीन्स, चिकन, फिश, ये सब खाना भी बहुत ज़रूरी है। कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो मैं अलग करता था, जो आप लोग करते हैं अभी। लेकिन मेरे समय में शायद मुझे देर लगी वो समझने में, आपके पास शायद इस वीडियो के ज़रिए ये राय है मेरी कि आप अपनी डाइट पर ख्याल रखें। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो फील्डिंग करके आते हो, तो उसमें आपको भूख लगी होती है और मसल्स बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर चुके होते हैं, तो अगर आप अच्छा प्रोटीन खाते हो तो सीधा आपके वहाँ जाता है जहाँ जाना चाहिए। साढ़े 4 बजे उठता था जब तक मैं इंडिया नहीं खेला, और सोता कितने बजे था, 9 या 9:30 बजे। तो मेरे लिए 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी थी। जब मैं इंडियन टीम में पहुंचा तो शायद मैं 10-10, 12-12 घंटे भी सोता था। मैं आपको बताऊं, जब मैंने 300 रन बनाए उस समय मैं 8:30 बजे सोया और सुबह 7:30 बजे उठा। बॉडी मसल्स की रिकवरी कब होती है, रात को 2 बजे 3 बजे 4 बजे, तो वो पीरियड में अगर आप अच्छी नींद ले रहे हैं, अगर आप टाइम पे सोते हैं, तो आपकी मसल्स की रिकवरी जल्दी होती है, ब्रेन को रेस्ट चाहिए होता है, तो वो रिकवरी करने के बाद आप नेक्स्ट डे बड़े आराम से फ्रेश उठेंगे और अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। डर मुझे इसलिए नहीं लगता था मेरे खेल में, क्योंकि मुझे मालूम था कि मैंने अपना होमवर्क किया हुआ है, मेरा सारा हार्डवर्क मैंने किया हुआ है, तो अब डरना किस चीज़ का। या तो आप 100 रन बनाओगे आउट हो जाओगे, आपके मौके और भी मिलेंगे, तो इसलिए कभी खेलते हुए डर नहीं लगा कि आउट कर देगा। हमेशा ये रहता था कि मैं रन कैसे बनाऊँगा इस बॉलर पर, कितनी जल्दी रन बनाऊँगा। देखिए, जब भी कोई बॉलर मुझे स्लेज करता है या कुछ कहता है, तो उस समय मुझे डर नहीं लगता है, टर्न कर देता था फेस या फिर स्माइल करता था और हंसता रहता था। तो मेरे फादर वो कहते थे कि शायद अगर आप हंसते रहोगे तो आपकी डेस्टिनी चेंज हो सकती है। तो मुझे लगता था अगर मैं हंसता रहूँगा तो रन बना दूँगा, मेरी डेस्टिनी चेंज हो जाएगी। या आप सिर्फ हंसते रहो उनकी आंखों में देखकर, तो शायद उन्हें आप और इरिटेट कर सकते हो, और उसके बाद वो अपना फोकस लूज करेंगे, आप नहीं करोगे। कोई भी खेल है वो कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है,
क्योंकि किसी भी खेल को खेलते वक्त इंजरी हो सकती है, और ऐसी इंजरी भी हो सकती है कि किसी में आदमी मर सकता है, किसी में वो ऐसा इंजर्ड हो सकता है कि दोबारा कोई खेल ना खेल सके। 2011 का वर्ल्ड कप था और उससे पहले मेरा बाइसेप टेंडन जो था वो ख़राब हो गया है और टूट गया मैं कहूँगा। अब मुझे प्रॉब्लम हुई कि मैं हाथ ऊपर नहीं उठा पा रहा था, थ्रो नहीं मार पा रहा था। तो ये बात मैंने जब BCCI को बताई और कोच को बताई तो मैंने ये कहा कि भाई मैं वर्ल्ड कप खेल सकता हूँ, बैटिंग कर सकता हूँ, लेकिन थ्रो मारने में मुझे दिक्कत होगी तो मैं बाहर फील्डिंग नहीं कर सकता। तो BCCI और गैरी की बात हुई तो उन्होंने कहा नहीं आप वर्ल्ड कप खेलिए, आपको 30 yard सर्कल में रखेंगे। MS से बात हुई, MS ने भी कहा ठीक है, और पूरा वर्ल्ड कप मैं उस बाइसेप टेंडन टेयर में खेला, 30 yard सर्कल में फील्डिंग की और बैटिंग करता रहा। वर्ल्ड कप जीते, खुशी हुई। उसके बाद IPL भी खेला, तो IPL खेलने के बाद मैंने सर्जरी कराई। तो लगभग पूरा वर्ल्ड कप और IPL लगभग 4 महीने के करीब मैं वो दर्द बाइसेप टेंडन का सहता रहा। तो ऐसे बहुत सारे पड़ाव आएंगे आपकी लाइफ में जब आपको दर्द सहते हुए काम करने होंगे या खेलना होगा। और कहते हैं कि डर के आगे जीत है, तो जो दर्द का डर है अगर उसको सह लोगे तो उसके आगे जीत ही जीत है। अगर आज देश का बच्चा बच्चा बल्लेबाज बनने का ख्वाब देखता है तो इससे बेहतर मौका मेरे साथ नहीं मिलेगा। आई थिंक एक अच्छा लीडर की खासियत क्या होती है कि लीडर को कभी बनाया नहीं जा सकता। आप किसको कितनी नॉलेज दोगे, कितना समझाओगे एक कैप्टन बनाने के लिए, लेकिन ये कैप्टन जो खुद चाहे घर में डिसीजन लेता होगा जब छोटा होगा, जैसे मैं एग्जांपल दूंगा विराट कोहली, वो हर स्टेज पर कैप्टन रह जाए, अपनी एकेडमी के, स्कूल की टीम के, U19 के, फिर U19 इंडिया के, और उसके बाद रणजी ट्रॉफी के, और फिर इंडियन टीम के। मेरा मानना है कि लीडर पैदा होते हैं, उनको बनाया नहीं जा सकता। आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट है लीडर के लिए कि उस वो अपनी टीम के साथ कम्युनिकेट बहुत अच्छे तरीके से करे और ऑनेस्टी के साथ करे, क्योंकि अगर एक लीडर कम्युनिकेट बेटर करता है अपने अपने क्लीग्स के साथ तो वो बेटर रिजल्ट दे सकते हैं उसके क्लीग, और उसके क्लीग उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। लीडर को भी ट्रस्ट करना चाहिए और हमेशा अपनी ऑनेस्ट राय देनी चाहिए अपने क्लीग्स को या अपने दोस्तों को। अच्छा लीडर वो होता है जिसको ये मालूम होता है कि उसकी टीम में जो खिलाड़ी है किसको कैसे मोटिवेट किया जाता है, किसी को प्यार से, किसी को गुस्सा करके, किसी को कुछ अचीव करा के, किसी को कुछ बता के। और ये शायद खूबियां थी सौरव गांगुली में, क्योंकि मुझे याद है जब वो हमारे रूम में आते थे तो हमें यही कहते थे कि तुम चिंता मत करो, अगले 2-3 सीरीज तक तुम पक्के हो, तुम जाओ और अपना गेम खेलो। शायद वो किसी और के रूम में जाते होंगे, राहुल द्रविड़ या सचिन के, तो उनसे अलग बातें करते होंगे। चाहे कहीं का भी कैप्टन हो या लीडर हो, चाहे स्कूल का हो, कॉलेज का हो या इंडियन टीम का हो, जब वो लीडर बनता है तो वो उसकी जिम्मेवारी और दूसरों के प्रति ज़्यादा बन जाती है। और एक खिलाड़ी को आप जितना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दो और बैक करो उतना बढ़िया होता है, क्योंकि जब आप एक टीम होकर खेलते हो तो एक लीडर दूसरे खिलाड़ी को इनफ कॉन्फिडेंस देता है कि आप अगले 3 या 4 या 5 मैच खेलोगे और आपको मैं बैक कर रहा हूँ, सिलेक्टर्स बैक कर रहे हैं, कोच बैक कर रहा है, तो शायद उसकी परफॉर्मेंस बेहतर निकलेगी। और यही एक अच्छे लीडर का काम होता है। खुद की परफॉर्मेंस पे तो ध्यान देना ही होता है, बट अपने साथ साथ दूसरों की परफॉर्मेंस को कैसे निकलवाया जा सकता है उनसे, वो भी ध्यान एक अच्छा लीडर देता है। अच्छा लीडर यही कोशिश करता है कि जो उसके नेगेटिव पॉइंट्स है, जो उन्होंने ख़राब किया, उनको वो नोट करे और पॉजिटिव पॉइंट्स को उसी समय डिस्कस करे अपने टीम के साथ, और जब नेक्स्ट मैच से पहले जो मीटिंग्स हों उसमें वो ज़रूर ये ध्यान रखे कि जो गलतियाँ पिछले मैच में हुई वो गलतियाँ दोबारा ना दोहराई जाएँ। अगर जितनी कम गलतियाँ रिपीट करोगे उतना ही बेहतर होता है रिज़ल्ट आपके फेवर में। हम लोग 2011 का वर्ल्ड कप जीते जो MS धोनी की कैप्टनसी में, तो उसमें हमने गलतियाँ बहुत कम की और हम लोग हर एक मैच को ऐसे खेल रहे थे जैसे एक नॉकआउट का मैच हो या हम फाइनल खेल रहे हो वर्ल्ड कप। हाय, मैं हूँ वीरेंद्र सहवाग और मैं लूँगा आज आपकी क्लास लीडरशिप।
मैं पैदा हुआ था नजफगढ़ में। मेरे फादर का नाम कृष्ण कुमार है, मेरी मदर का नाम कृष्णा है। जो मेरी स्कूलिंग थी वो मेरे घर से 10 घर छोड़कर थी। एक प्राइवेट स्कूल होता था उस समय, तो 8 तक मैं उसमें पढ़ा, क्योंकि वो इकलौता इंग्लिश मीडियम था नजफगढ़ में, तो शायद इसलिए मेरे माता पिता ने मुझे वहाँ पर डाला पढ़ाई करने के लिए, शायद मेरी इंग्लिश अच्छी हो, बट ऐसा हुआ नहीं। 10th के बाद जो 10th की छुट्टियाँ आती हैं उसमें मैंने क्रिकेट सीरियसली खेलना शुरू किया। उससे पहले मैं ऐसे ही खेलता था नजफगढ़ में या आसपास में बच्चों के साथ, या गांव में जो टूर्नामेंट होते हैं नेचुरल टर्फ पर वो खेलता था। नजफगढ़ में एक क्लब होता था उस समय, सर माउंट क्रिकेट क्लब, तो उसमें कोच होते थे शशि काले, तो उन्होंने कोचिंग दी। तो जब मैं उनकी वहाँ गया प्रैक्टिस करने क्लब में, तो 2-3 नेट सेशन के बाद ही उन्होंने कहा कि आपके अंदर टैलेंट है तो आप आगे जाइए। तो मैंने उनसे पूछा आगे कहाँ जाऊँ, तो उन्होंने कहा कि आप नजफगढ़ से बाहर किसी और दूसरे स्कूल में एडमिशन लीजिए जहाँ पर क्रिकेट हो। तो उन्होंने मुझे भेजा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल विकासपुरी, जहाँ पर मिस्टर ए एन शर्मा जी कोच थे। उन्होंने वहाँ पर मुझे इसलिए भेजा क्योंकि ए एन शर्मा जी उस समय नेशनल स्कूल नेशनल्स के सिलेक्टर भी थे। जब मैं शर्मा जी के पास पहली बार गया, उन्होंने मुझे 3 दिन लाइन में खड़ा रखा। 3 दिन मुझे ना बैटिंग मिली, ना बॉलिंग मिली, ना फील्डिंग मिली। तो 4th दिन जब मैंने बैटिंग की तो मुझे 4 बॉलें मिली खेलने को। तो मैंने अपने कोच ए एन शर्मा जी से पूछा, 4 बॉल के बाद आपने बार बुलाया सर, तो ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि 3 दिन तक मैं आपके पेशेंस चेक कर रहा था कि आप वाकई में क्रिकेट खेलना चाहते हैं या आप बरसाती मेंढक हैं। 4 बॉल के बाद मैंने क्यों निकाला, क्योंकि वो जो 4 बॉलें आपने खेली हैं मेरी एकेडमी में, आपसे बेहतर और कोई दूसरा खिलाड़ी नहीं है, ऐसा उन्होंने मुझे कहा। और वहाँ से मेरी एक्चुअली सीरियस क्रिकेट स्टार्ट हुई। काफ़ी बार मैं ट्रायल्स पे गया अंडर 16 अंडर 19 की, लेकिन कभी पिक नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ भी 3 या 4 बॉल मिलती थी खेलने की, उनमें शायद मैं कुछ बॉलों पे शॉट लगाता था, कुछ डिफेंस करता था या कुछ छोड़ता था। कॉलेज में नहीं गया मैं, क्योंकि वहाँ पर हर कोई ये चाहता था कि मैं उनके कॉलेज में एडमिशन लूँ, क्योंकि सबकी क्रिकेट टीमें थी, मैं उस समय बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा था, सब चाहते थे। तो लेकिन मेरे कोच ने मुझे कहा पहले इंटर कॉलेज खेलोगे, फिर यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होगा, फिर जाके यूनिवर्सिटी खेलने को मिलेगी। इसे अच्छा आप डायरेक्ट जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो और डायरेक्ट यूनिवर्सिटी खेलने का मौका मिलेगा। तो जब मैं जामिया यूनिवर्सिटी में ट्रायल देने गया तो मेरा सिलेक्शन हो गया। फर्स्ट ईयर में पहली बार मुझे यूनिवर्सिटी खेलने का मौका मिला। जो वहाँ के कोच थे उन्होंने मुझे एक और क्लब से खेलने को बोला, उस क्लब का नाम था मद्रास क्लब, और मद्रास क्लब के जो कोच थे वो सतीश शर्मा जी थे। उसके बाद दोनों ने कहा कि अभी तक तू अंडर 19 खेला क्यों नहीं। तो मैंने उनको बताया कि मैं ट्रायल्स पे जाता हूँ, मुझे कोई पिक नहीं करता है, 4-5 गेंदें मुझे खेलने का मौका मिलता है, मैं आ जाता हूँ। तो उन्होंने एक मैच रखा दिल्ली स्टेट अंडर 19 11 वर्सेज जामिया 11। तो उन्होंने मुझे एक ही बात कही कि ये पहला और आखिरी मौका है आपके लिए। उस मैच में मैंने लगभग 150 रन बनाए, 17 छक्के मारे, एक भी छक्का ग्राउंड के अंदर नहीं गिरा, सब ग्राउंड के बाहर गिरे। तब पहली बार सिलेक्टर्स और सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट जो थे DDCA के, उनकी नज़रें खुली। तो उन्होंने पूछा ये लड़का कौन है, तो मेरे कोच ने बताया ये हर साल ट्रायल पे आता है बट इसे पिक नहीं किया जाता अंडर 16 अंडर 19। ये बात है 1997 की, तब मैं पहली बार दिल्ली स्टेट के लिए पिक हुआ। जब मैं नॉर्थ जोन के लिए खेल रहा था तो उस समय अंडर 19 वर्ल्ड कप इंडिया की टीम बन रही थी, उसके कोच अनाउंस हुए थे कंट्रोल अग्रेशन इंपॉर्टेंट है, अगर गुस्से को जितना कंट्रोल करे उतना बढ़िया। मैंने नहीं देखा सचिन तेंदुलकर को ग्राउंड पर कभी गुस्सा करते हुए, राहुल द्रविड़ को गुस्सा करते हुए, ये हमेशा कंट्रोल अग्रेशन दिखाते थे। एक लीडर अपने टीम के साथ एक दोस्त, एक भाई, एक फैमिली की तरह होता है, और सिर्फ उस फैमिली की कमान जो है उसके हाथ में होती है, जैसे वो चाहे वैसे वो चला सकता है, बट ऑनेस्टी के साथ चलानी चाहिए, जैसे अपनी आप फैमिली चलाते हो अपनी ऑनेस्टी के साथ। आई थिंक लीडर अपने एक्शंस दिखाना पसंद करते हैं बजाय ज़्यादा बात करने के या कुछ और करने के, क्योंकि उन्हें मालूम है अगर एक कप्तान या एक लीडर अगर अपने रन बनाता है या विकटे लेता है और वो एक एग्जांपल बनता है तो शायद दूसरों को मोटिवेशन ज़्यादा मिलता है और वो उसको फॉलो करते हैं। कि एक एग्जाम्पल है सौरव गांगुली, हम लोग पहला मैच खेल रहे थे ब्रिस्बेन में, हम लोग शायद 4-5 आउट हो गए थे, तो उन्होंने एक शतक बनाया 145 ब्रिस्बेन में, और लगभग हारी हुई सिचुएशन को अपने एक्शन से उन्होंने ड्रॉ में बदल दिया।
तो उसके बाद अगले मैच में राहुल द्रविड़ ने दोहरा शतक बनाया, अगले मैच में मैंने 195 बनाए, फिर आखिरी मैच में सचिन तेंदुलकर ने दोहरा शतक बनाया। तो शायद उस सौरव गांगुली की इनिंग से हम लोग मोटिवेट हुए और सब लोगों ने बड़ी बड़ी इनिंगें खेली। तो एक लीडर के एक्शंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बजाय कि उसके लेक्चर्स। और कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि लीडर लीड फ्रॉम द फ्रंट। अगर एक लीडर अगर सबसे पहले कुछ करे और उसके बाद के जो आने वाले खिलाड़ी हैं अगर वो उसको देखते हैं तो शायद वो उसको फॉलो करते हैं। आपको आपके गेम के बारे में मालूम होना चाहिए, आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में मालूम होना चाहिए। जैसे मैं हमेशा बिलीव करता था कि मुझसे बेटर कोई प्लेयर नहीं है, मैं कहीं भी रन बना सकता हूँ, किसी भी विकेट पर रन बना सकता हूँ, किसी भी बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट रन बना सकता हूँ। ये सब क्वालिटीज़ मेरे अंदर थी और मैं बिलीव करता था, तो शायद इसलिए मैं हर चीज़ अचीव कर सका जो मैं करना चाहता था। मुझे खुद पर इतना भरोसा था कि अगर मैं इंटरनेशनल क्रिकेट से ड्रॉप होऊंगा, वापस फर्स्ट क्लास में जाऊंगा, परफॉर्म करूंगा अच्छा और दोबारा इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सकता हूं। आई थिंक टैलेंट सब में होता है, बहुत सारे खिलाड़ियों में होता है टैलेंट, लेकिन खुद पर भरोसा कम होता है कि जैसे टैलेंटेड खिलाड़ी भी कई बार जो अपॉर्चुनिटी मिलती है उसमें परफॉर्म नहीं कर पाते, लेकिन जिनको खुद पर ज़्यादा भरोसा होता है वो एक अपॉर्चुनिटी को भी मिस नहीं करते। तो सेल्फ बिलीव बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो लीडर हो चाहे वो एक प्लेयर हो। और टॉप पर आने के लिए मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट सेल्फ बिलीव है, क्योंकि हार्डवर्क तो शायद 8-8 घंटे का हर कोई खिलाड़ी करता है, लेकिन उस हार्डवर्क को परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करना कुछ ही लोग कर पाते हैं, और वो सिर्फ सेल्फ बिलीव के साथ आती है।